दिल्ली से आकर चंडीगढ़ में लूट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शिव शंकर 26 साल निवासी इंद्रपुरी सेंटर दिल्ली के रूप में हुई। कब्जे से पुलिस ने 1.75 लाख रुपए और वारदात में शामिल मोटरसाइकिल को बरामद किया। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया आरोपी। गाड़ी पर तेल फेंक देते थे, ड्राइवर को तेल लीक होने का बहाना बताकर गाड़ी रुकवाते थे, उसके बाद गाड़ी के चालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। जिस वारदात में उसे गिरफ्तार किया गया है उसमें भी उसने पीड़ित की गाड़ी को पंचर किया था। उसके बाद गाड़ी चालक जब रुके तो उनके साथ घटना को अंजाम दिया था। जैसे जो मणिमाजरा टीम और मैंने जब वहाँ पहुँचा था रियल एस्टेट, इट वॉज नॉट एन ऑर्डनरी स्नैचिंग, ये कोई प्लान स्नैचिंग था, क्योंकि जो विक्टिम है उनका इनोवा का गाड़ी जब पंचर हुआ था, पंचर होने के बाद वो पेट्रोल पंप के पास साइड किया था। साइड करके करने के बाद जो ड्राइवर के साथ जो को पैसेंजर बैठे हैं, जो ब्लैक के साथ जो नीचे निकला था गाड़ी से उतरा था, उनको एक बंदे ने धक्के लगा के नीचे गिरा के ब्लैक स्नैच करने के लिए कोशिश किया, और जब ये रेसिस्ट किया उनको पेट में भी लाठ मार के फिर बैग को स्नैच कर, और बैग में काफ़ी कैश है। विक्टिम क्रेन मार्केट में एक शुगर का दुकान है, शुगर मर्चेंट है, और बैग में काफ़ी कैश भी था, इसलिए हमको सस्पिशन ये है कि ये प्लान्ड स्नैचिंग है, कुछ अनप्लान्ड स्नैचिंग नहीं है। प्लान करके इनको रेकी करके फिर उसके बाद इनका गाड़ी फॉलो करके पंचर करके उसके बाद ये स्नैचिंग अटैक किया। फिर पेट्रोल पंप में जब इनका गाड़ी में हमने एग्जामिन किया था, ये भी हमने देखा था कि इंजन में थोड़ा बहुत तेल गिरा हुआ था। तो ये कट्टर गैंग है बेसिकली, ये क्या करते हैं गाड़ी में तेल डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपका गाड़ी से तेल लीक हो रहा है, फिर जब पैसेंजर बाहर निकलते हैं उनके स्नैचिंग करते हैं। जैसे हमारा टीम वहाँ पहुँचा था, फिर हमने पेट्रोल पंप का CCTV एग्जामिन किया था। एग्जामिन करके हम पूरा चंडीगढ़ पुलिस में जो भी नाका से और टिकट से और वार्ड से पहुँचे इनको अलर्ट कर दिया कि ये है इनका व्हीकल नंबर्स और इनका डिस्क्रिप्शन, ड्रेस वगैरह क्या क्या पहने थे वो सब हमने अलर्ट कर दिया। इन्होंने कलाग्राम लाइफ पॉइंट से स्नैचिंग करने के बाद बापूधाम, सेंट कबीर और ग्रेन मार्केट का चौक और सेक्टर 27-28 इस रास्ते से इन्होंने बाहर निकलने का कोशिश किया था। ये एक्चुअली जब चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गया, इनको पता चल गया कि चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गया, आकाश भी चेकिंग चल रहा है, उन्होंने जो बैग स्नैच किया था उसको एक जंगल में फेंक दिया। और जब सेक्टर 27-28 नाका के पास ये लोग गए थे, वहाँ का नाका देख के डिवेटर जंप करके नाका को बाईपास करके फिर निकले, तो दे गॉट अलर्ट, चंडीगढ़ पुलिस इनको सर्च कर रहे थे तो अलर्ट हो गए। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि एक्चुअली मैं जब साउथ दिल्ली में पोस्टेड था, हम आने के पहले साउथ दिल्ली में पोस्टेड था, तो हम भी एक इस गैंग का एक मोडस ऑपरेंडी है, और जो बाइक यूज़ किया था उसमें सब में फेक नंबर प्लेट था, लेकिन एक प्लेट का जो नंबर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।